सो वेलकम बैक अगेन गाइस। कैसे हो यार आप सभी लोग, होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं सुमित लेके आ गया हूँ फिर से आपके लिए कोने मॉड पर वीडियो। सो गाइस आज के इस मॉड पे हम करने वाले हैं 2020 की ZX10R के मॉड का रिव्यू, जो 21 वाला है उससे पुराना वाला मॉडल है। तो गाइस बाइक आपके सामने एकदम शोरूम कंडीशन बाइक आपको मिलने वाली है, एकदम ब्रांड न्यू, जैसे अभी अभी शोरूम से निकल के आई है। हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, एकदम ब्रांड न्यू की तरह। तो गाइस आप इसका लुक देख सकते हो, साइड प्रोफाइल देख सकते हो, एकदम आपको हर एक एक चीज़ डिटेल में मिलने वाली है। ब्रेम्बो के आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, मतलब डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, एंड रियल लाइफ में भी ब्रेम्बो वाले ही आते हैं। अगर रियर से बात करें तो गाइज आपको मैं रियर का लुक दे देता हूँ। तो गाइज आप रियर का लुक भी देख सकते हो, एकदम आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है हर एक एक चीज़। कंपनी फिटेड आपको इसमें एग्जॉस्ट मिल जाता है, बट रियल लाइफ में जब आप इसमें दूसरा एग्जॉस्ट डालते हो तो ये धाड़ मारती है बहुत ही भयंकर वाला। तो आपको पता ही होगा कि कितनी खतरनाक आवाज़ इसकी आती है। तो गाइज मैं आपको इसका स्पीडोमीटर दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ से नहीं दिख पाएगा, तो जब मैं अभी बैठ जाऊँगा तो उसमें तब दिखाता हूँ आपको। सो गाइज अब आप इसका फ्रंट का लुक देख सकते हो, एकदम आपको रियलिस्टिक मिलने वाला है। इसकी हेडलाइट वगैरह भी एकदम रियलिस्टिक आपको मिलेगी, LED लाइट्स आपको इसमें मिल जाती है, ग्रीन कलर की ZX10R है नियॉन कलर की, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। नियॉन को या ग्रीन एक ही है। सो गाइज मैं आ चुका हूँ बाइक के अंदर, और आपको क्या एनिमेशन मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले से आपका पैसेंजर, मतलब जो आपका राइडर है, वो अप एंड डाउन हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले वाले से आपको ये फीचर मिलता है, सेकंड वाले से आपका स्टैंड का फीचर आपको मिल जाता है। तो जैसे ही आप सेकंड वाला दबाओगे तो स्टैंड लग जाएगा और बंद हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। एंड जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले से आपका राइडर स्पोर्टी पोजिशन में आ जाएगा। तो जैसे ही आप थर्ड वाले को प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो राइडर नीचे झुक गया, जो कि इसको स्पोर्टी वाला लुक में कन्वर्ट कर देता है। सो गाइज अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो। अभी थोड़ा डार्क हो रहा है पर आपको दिखेगा नहीं, बट ये ऐसे ही आपको मिलेगा। इसमें कोई भी आपको स्पीडो, मतलब रीडिंग मीटर नहीं मिलेगा कि कितनी इसकी स्पीड है। ऊपर आप देख सकते हो साइड में आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी, एंड लाइट ऑन होने के बाद जो इसका RPM मीटर है वो ऑरेंज कलर की आपको बत्ती अंदर जली हुई थोड़ी सी दिखेगी, जो कि काफ़ी सही लगा। अगर इसका स्पीडो मीटर भी प्रॉपरली तरीके से वर्किंग होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। सो गाइज मॉड का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। मॉड बिल्कुल फ्री है, कोई भी पासवर्ड की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एंड मॉड की बात करें तो मॉड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। सो गाइज अब हम कर रहे हैं इसको ड्राइव, और ये चलने में कैसा है, इसकी ब्रेकिंग कंट्रोलिंग, और ये इसकी टॉप स्पीड क्या है। तो वीडियो में बने रहना, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है या फिर चैनल को पहली बार आए तो चैनल को गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी अच्छे अच्छे मॉड मिस ना करो। तो गाइस आप लुक देख सकते हो, इसका काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, एंड चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर मैं इसके इंजन साउंड की बात करूँ तो नॉर्मल एग्जॉस्ट में जो कंपनी फिट से आता है, कंपनी वाला एग्जॉस्ट आता है, वो भी काफ़ी सही इसकी साउंड कर रहा है। आपको म्यूज़िक के कारण सुनाई नहीं आ रहा होगा। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, और टाइम आ चुका है इसकी टॉप स्पीड चेक करने का। तो ये कैसे परफॉर्म करने वाली है और इसकी क्या टॉप स्पीड रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितनी लगती है इसकी टॉप स्पीड क्या होगी। एंड काफ़ी सही इसका लुक आ रहा है हाईवे पे। सो गाइज अब मैं करूँगा इसकी टॉप स्पीड की स्टार्टिंग शुरू। तो अब आप ऊपर मीटर पे देख सकते हो इसकी टॉप स्पीड क्या है, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको क्या लगता है कि कितने तक जाने वाली है। सो गाइज ये मॉड मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक बाइक का ये ZX10R का मॉड डाउनलोड नहीं करा है, तो ये मॉड उनके लिए, काफ़ी लोगों ने इसको पहले ही खेल लिया होगा। सो जिन्होंने खेल लिया होगा तो वेल एंड गुड, और अगर आप फिर से खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज अगर मैं इसकी पिकअप की बात करूँ तो बहुत ही एकदम बेहतरीन इसने पिकअप पकड़ा है, और ये आराम से 234 तक पहुँच गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड 234 में ये थोड़ा सा अटक गई थी, बट ये आगे गई, तो मेरे हिसाब से ये 240 तक जा सकती है, जो कि काफ़ी मेरे को बढ़िया लगा। मतलब 240 की स्पीड काफ़ी सही है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसी वाले एंगल पर, इस वाले एंगल पर बाइक को चलाना, तो आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप दूसरा एंगल यूज़ करोगे तो आपसे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी 101%। सो गाइज अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यार इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी सही है। हाईवे पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट अगर आप इसे माउंटेन रोड वाले एरिया पे ले जाते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको हाईवे पर ही चलाना और इसको हाईवे पे भगाना, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड अगर मैं इसकी शॉकर वगैरह की बात करूँ तो गाइज इसकी शॉकर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, और जो इसका इसका चेन सेट है वो भी प्रॉपरली तरीके से घूमता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड लुक गाइज बाइक में कोई आपको कमी नहीं मिलने वाली, एकदम रियलिस्टिक आपको मॉड मिलने वाला है। तो गाइज आपने इसकी टॉप स्पीड देखी होगी, तो ये 240 तक तो आराम से पहुंच सकती है,
पट्टी है 235 में थोड़ा सा रुक जाती है, बट आपको सीधा पैच और मिलेगा तो आप इसे 240 तक आराम से पहुँचा दोगे और कंट्रोलिंग करने का बेस्ट यही आपको मिलने वाला है। सो गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर आपको कोई बस आईडी का मॉड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो ताकि आपको हर एक गेम के और हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी मॉड मिस ना करो। सो गाइज, मैं मिलता हूँ अगले मॉड एंड अगली वीडियो में।